बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम यूनिट 9 कर रहे हैं, आज इज़ नॉट लास्ट, और आज हम उसका 5th पोर्शन करेंगे। आप इस चैनल पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के बुक के सारे लेसन्स सुन सकते हैं। हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हिरा। हम एक नर्स की और एक पेशेंट की कहानी पढ़ रहे हैं। कंटिन्यू का मानी होता है जारी रखना। उसने जो एक्सरसाइज कर रही थी वो काम जारी रखा। मैंने हिरा की देखभाल जारी रखी। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी। लेकिन हिरा जो रिकवरी का मतलब होता है सेहतियाबी, यानी बीमारी से सेहतियाबी की तरफ पलटना। लेकिन वो ज़्यादा सेहतियाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज हर टू सी हर लाई ऑन बेड इन मिजरेबल स्टेट। मिजरेबल कहते हैं अनकम्फर्टेबल, आफ़ज़दा, यानी उसको चोट लगी थी तो वो बहुत बुरी हालत में थी। मैंने उसे देखकर खुद को बेबस महसूस किया जितना कि वो बेबसी की हालत में बिस्तर पर लेटी थी। कुड आई एबल टू जस्टिफाई माय स्टांस बिफोर द सीनियर डॉक्टर्स। जस्टिफाई कहते हैं दिफा करना, शो आर प्रूव टू बी राइट आर रीजनेबल। तो हमें सिर्फ अपने आप को अल्लाह के सामने रीजनेबल और सच्चा साबित करने की ज़रूरत है। स्टांस द वे इन विच समवन स्टैंड्स। क्या मैं सीनियर डॉक्टरों के सामने अपने मौकफ का दिफा कर सकूंगी। आई डिड नाट लूज होप। उम्मीद जो है उसका दामन किसी हाल में भी छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंस एंड केप्ट, यानी मैंने अपना काम जो उसकी तीमारदारी और देखभाल थी, केप्ट डूइंग एक्सरसाइजेज विद हर। जो नर्स जो है जो पेशेंट की एक्सरसाइज करा रही थी वो उसने जारी रखी। तो पेशेंस कहते हैं सब्र को। द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट डिले प्रॉब्लम्स आर सफरिंग विदाउट बिकमिंग एनॉयड और एनशियस। हमारी ज़िंदगी भी ऐसे है, हमें मुश्किलात आती हैं लेकिन एक मुसलमान की हैसियत से हमें मुश्किल मिजाजी से उनका मुकाबला करना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और उनके हल की कोशिश करनी चाहिए। मैंने सब्र व तहम्मुल के साथ काम जारी रखा और इसकी वर्जिश जारी रखी। ग्रेजुअली आई कुड सी हर मेकिंग अ स्मॉल रिकवरी। ग्रेजुअली मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। कोई चीज़ भी आप देखें कुदरत के कारखाने में एकदम नहीं होती, बीज से छोटा पौधा बनता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होता है। आहिस्ता आहिस्ता उसमें मामूली बेहतरी आ रही थी। वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी हर लिफ्ट हर लिटल फिंगर। एक दिन मैं बहुत खुश हुई जब मैंने देखा कि वो अपनी छोटी उंगली हिला सकती है। थ्रिल्ड, सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेयर, बहुत ज़्यादा खुश होना, अचानक हमें कोई बहुत ज़्यादा खुशी मिले। इसी तरह जब अल्लाह ताला कहते हैं जब इंसान अल्लाह की तरफ पलटता है तो अल्लाह को भी बहुत खुशी होती है। एक दिन उसकी छोटी उंगली हिलते देखकर मैं बहुत खुश हुई। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया, यानी सेहतियाबी की उम्मीद है। I was sent on a 3 months training course to Karachi. मुझे एक तरबियती कोर्स में 3 माह के लिए कराची भेज दिया गया। I made all possible attempts to leave my patient in good hands. Attempts का मतलब होता है कोशिश करना, जैसे अगर रिजल्ट ना भी मिले तो हमारा काम है हम कोशिश जारी रखें। प्यारे बच्चों, इसी तरह ज़िंदगी में कोशिश मेहनत जारी रखनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ने सिर्फ हमारी कोशिशें देखनी है, अल्लाह ने
जो जितनी मेहनत करता है अल्लाह उसको ज़रूर नवाजता है। मैंने अपने मरीज़ को अच्छे हाथों छोड़कर जाने की कोशिश की। आई रिटर्न्ड आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट्स बेड टेकन बाय एन अदर। मैं जब वापस आई 3 माह के बाद वापस आई और अपने मरीज़ को देखने उसके बेड के पास गई, माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड, यानी मैं वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। ऐसे लगा मुझे जैसे मेरे पाँव जो हैं वो ज़मीन में धंस गए हैं, उठ ही नहीं रहे। आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क व्हाट हैपन्ड। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी, करेज कहते हैं ब्रेवरी को, हिम्मत को, बहादुरी को, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था कि मैं पूछती कि क्या हुआ। एज आई स्टूड नियर द बेड विद सेवरल क्वेश्चंस पॉपिंग इन, माय माइंड आई फेल्ट अ जेंटल पैट ऑन माय शोल्डर। यानी वो बेड के पास गई तो उसने देखा उसका मरीज नहीं है, तो वो बहुत परेशान हो गई। पॉपिंग जेरेंट ऑफ पॉप है, जैसे पॉपकॉर्न ऊपर उठते हैं इसी तरह पॉपिंग का मतलब होता है सवालों का उठना जहन में, और पैट कहते हैं थपकी देना, जैसे शोल्डर कंधे को कहते हैं, जैसे कोई शाबाश देने के लिए आपका कंधा थपथपाता है तो उसको पैट करना कहते हैं। मैं बिस्तर के पास खड़ी थी और मेरे जहन में बहुत से सवाल उभर रहे थे कि मेरे कंधे पर किसी ने थपकी दी। आई टर्न्ड अराउंड टू सी अ यंग वुमेन स्माइलिंग एट मी। मैंने घूम कर पीछे देखा तो एक नौजवान लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, क्या तुम देख रही हो अपने मरीज को, शी सेड एंड गेव मी अ बिग हग। क्या आप अपने मरीज को देख रही हैं, उसने पूछा और मुझे प्यार से गले लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ। क्रिपल्ड कहते हैं अपाहज, माजूरी को, ऑफ अ पर्सन अनएबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली, एक आदमी खुद से चल ना सके, हिल ना सके। आपने जो कुछ किया उसका शुक्रिया। हमें भी चाहिए कि हम अपने इस वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी हसरतें रह जाएं कि काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की होती, काश हमने रसूल का रास्ता अपना लिया होता, काश। तो प्यारे बच्चों, अगर आप प्राइमरी की बुक्स पढ़ते हैं तो उसके लेसन भी इस चैनल पे मौजूद हैं।